जनपद हापुड़ के थाना धौलाना पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में बने तमंचे एवं शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। बता दें कि थाना धौलाना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अवैध तमंचों को जनपद बुलंदशहर में बेचने जाते समय सपनावत नहर से चेकिंग के दौरान फरमान पुत्र तौसीफ निवासी बझेड़ा कला थाना धौलाना को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 11 तमंचे, 2 पोनिया, 2 अधभने तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर एवं शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। भारत की रफ्तार 24 के लिए दीपक कश्यप की रिपोर्ट। थाना धौलाना पुलिस टीम के द्वारा एक जो शस्त्र फैक्ट्री है इसका भंडाफोड़ किया है। इसमें जो ये शस्त्र फैक्ट्री चला रहे थे, इस अभियुक्त का नाम है फरमान पुत्र तौसीफ, ये बझेड़ा कला का रहने वाला है। 2017 में भी इस पे इसका आपराधिक इतिहास है, जिसमें शस्त्र फैक्ट्री इसके पहले भी पकड़ी गई थी। इस फैक्ट्री से जो बरामद हुआ है उसमें 11 तमंचे हैं, 2 कोनिया, 2 अधबने तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर के और शस्त्र बनाने के उपकरण भी इससे बरामद हुए। तो कहाँ कहाँ सर ये सप्लाई इससे पूछताछ में ये पता लगा है कि जो आसपास के जनपद हैं, जैसे कि बुलंदशहर है, हापुड़ है और अन्य जो बॉर्डर के जनपद हैं उसमें भी ये सप्लाई करते थे और इसका जो रेट होता था वो 5 से 7 हज़ार रुपये में ये बेचता था। लगभग कितने समय से कर रहे थे ये? देखिए, इसका आपराधिक इतिहास 2017 का भी है, तो तब से ही ये इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। हमें इनपुट मिली थी, उसके बेसिस पे इसको डेवलप करके हमने कार्रवाई की। आगे इलेक्शन के दृष्टिगत भी ऐसी जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ हम लगातार ये कार्रवाई करते हैं। सर, पुलिस टीम के लिए कोई नाम घोषणा? जो पुलिस टीम है उसको मेरी तरफ से कैश रिवॉर्ड और प्रशस्ति पत्र दिया जाए।